हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए नई मशीन लेके हाजिर है और आज करेंगे अपन डिस्कवरी 1100 मेटल डिटेक्टर, जो बॉन्टी हंटर कंपनी का है, अमेरिकन बेस्ड, मेड इन यूएसए, जो मेटल डिटेक्टर दुनिया में सबसे पहले मेटल डिटेक्टर बनाई हुई कंपनी का डिटेक्टर है। और इसकी जानकारी थोड़ी सी दे के अपन दोस्तों करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और इसके साथ में आपको दिखाएंगे इसका डेमो टेस्ट, मतलब कि कितना फिट ये वर्क करता है फ्रेश मेटल पे। तो नए मॉडल आ चुके हैं, डिस्प्ले मॉडल है दोस्तों, गोडाउन में और भी मॉडल है और बॉन्टी हंटर की पूरी सीरीज आ चुकी है दोस्तों। नया ऑफिस बेलगाम में अपना स्टार्ट हो चुका है, जो कर्नाटका एरिया के लोगों को दूर पड़ता था महाराष्ट्र में आना, उनके लिए कर्नाटका का अपना बेलगाम का ऑफिस इंदाल ब्रिज के सामने स्टार्ट हो चुका है। तो आप आपके कर्नाटका में भी बाय हैंड डिटेक्टर टेस्टिंग चेकिंग के साथ ले सकते हैं। और दोस्तों, अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं और जरूरी जानकारी दे देते हैं आपको। दिवाली नजदीक आ रही है तो दिवाली की ऑफर हमारे तरफ से रखे गए हैं। कोई भी मशीन ले लो अपने पास, आपको हर एक ब्रांड पे आपको ऑफर मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एक भी ऐसा डिटेक्टर नहीं देंगे हम जो बिना ऑफर के निकलेगा यहाँ से। कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको हर एक कस्टमर को दिया जाएगा। डिस्कवरी 1100, डिस्कवरी 1200, डिस्कवरी 1300, ट्रैकर 2 यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे नए मॉडल भी ऑफिस में आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को प्लीज कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड, गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी 100% सही और सच्ची दी जाती है। दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको एक ऐसी मशीन जिसका नाम है डिस्कवरी 1100, जो स्पेशली डिजाइन हुआ था यूएस के लिए, मतलब अमेरिका के लिए यूज होता था, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने मंगवाया है दोस्तों। और इसकी आज अपन करेंगे अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के साथ इसका करेंगे अपन डेमो टेस्ट, मतलब है कितना फिट वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये आपको इसमें क्लियरली दिखाएंगे। और मेन टॉपिक आपको मैं बताता हूं एक जरूरी बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिस्कवरी 1100, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो है 6.6 किलोहर्ट्ज़, मतलब कि आपको डीपेस्ट डिटेक्टर ले जाने में सबसे बढ़िया है, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना डिटेक्टर आपका ज्यादा डीप जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6.6 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 6.6 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। और इसमें आपको 7 इंचेस की वाटरप्रूफ का सर्च कॉइल मिलती है, आप इसको कैसे भी रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी कॉइल इतनी मजबूत बनाई गई है कि आपकी 10-11 इंच की कॉइल को ये 7 इंच की कॉइल फेल कर देती है, क्योंकि ये प्रॉपर अमेरिका में बनी हुई कॉइल है। और बाकी डिटेक्टर आप देख सकते हैं तो दोस्तों कॉइल ज्यादातर बाहर से मंगवा के इम्पोर्ट करा के ही मशीन में लगा के आपको देते, लेकिन बॉन्टी हंटर फिशर टेक्नेटिक्स ये अमेरिकन ब्रांड जो है ये वर्ल्ड के सबसे पहले मैन्युफैक्चरर डिटेक्टर के है, तो इनके जो कॉइल है वो खुद ये बनाते हैं। तो इनके कॉइल जो दूसरों के कॉइल 11 इंचेस के काम करते हैं उतना ये 7 इंचेस के आपको 100% वर्क करते हैं उतना ही, क्योंकि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, नकली नकली होता है। मार्केट में आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे डिटेक्टर नकली बेचे जा रहे हैं धड़ल्ले से, इन नकली चोरों से सावधान, क्योंकि आपको मैं आज बताने वाला हूं ओरिजिनल डिटेक्टर और नकली डिटेक्टर की पहचान आप कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे दोस्तों डिस्कवरी 1100 की अनबॉक्सिंग और स्टार्ट करेंगे इसका डेमो टेस्ट, और आपको इसके साथ ही थोड़ी इसकी जानकारी देते हुए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशली अमेरिका के लिए बनाता है, फर्स्ट टाइम इंडिया में है। दोस्तों, अभी अपन फटाफट करते हैं डिस्कवरी 1100 की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, डिस्कवरी 1100 अपन कर रहे अनबॉक्स। ये देखिए, इसमें कंपनी अपने को कौन कौन सी चीजें देती है, ये सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इसमें अपने को कंपनी कौन कौन सी चीजें दे रही है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप, कंपनी का ये सील्ड पैक डिटेक्टर आते हैं, ओरिजिनल डिटेक्टर, और इसके साथ देखिए यूजर मैनुअल आता है। और नकली और असली डिटेक्टरों की पहचान करनी है तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको बारकोड दिया गया है, इससे आप पहचान सकते हैं असली और नकली डिटेक्टर। नकली डिटेक्टर जो है ऐसे ब्लैंक बॉक्स में आते हैं, प्रिंटेड कभी नहीं आते दोस्तों, किसी के भी बातों में मत आइए,
कंपनी खुद बोलती है बारकोड और सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर है किसी और डिटेक्टर में किसी और मॉडल में आपको नहीं देखने मिलेंगे। और ये अनबॉक्सिंग अपन कर रहे दोस्तों, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बारकोड और सीरियल नंबर रहता है। ओरिजिनल डिटेक्टर आप इजीली पहचान सकते हैं, ये देख सकते हैं मेड इन यूएस। तो इसको थोड़ा साइड में रखते और आपको दिखाते कंपनी अपने को इसमें कौन कौन सी चीजें दे रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी अपने को ये पूरी चीजें दे रही है। और यहाँ पे सबसे पहले अपन जो है इसका टैग हटाएंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने फर्स्ट टाइम है इंडिया में डिस्कवरी 1100 है। और यहां पे देखिए आप ये देखिए इसकी कॉइल भी आपको निकालेंगे दोस्तों बाहर और आपको दिखाएंगे। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉइल है इसकी, इस तरह की कॉइल आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ अलग ही डिजाइन इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है और बहुत हीवी है, मतलब कि 11 इंच की आपकी कोई भी कॉइल होंगी 11 इंच तो उसको टक्कर देंगे, ये मेरे गारंटी है। डिस्कवरी 1100 में इतनी सारी चीजें अपने को कंपनी दे रही है। अभी फटाफट इसको असेंबल करेंगे और असेंबल कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों डिस्कवरी 1100 को असेंबल कैसे करना है, इजी टू यूज, ये आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट कहाँ पे है, इसको ये बैटरी कहाँ पे लगती है ये इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पीछे की ओर बैटरी कंपार्टमेंट है। तो इसमें दो सेल यूज होते हैं 9 वोल्ट अल्कालाइन बैटरीज, और इसका बैकअप जो है आराम से 3 से 4 दिन तक आपको ये बैटरी बैकअप देगा, लेकिन ओरिजिनल सेल डालने आपको, ठीक है। एवरीडे पैनासोनिक ड्यूरासेल इस तरह के सेल यूज करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन तक ये बैकअप आराम से देगा। असेंबल कैसे करना है ये आपको दिखा रहा हूं। इंडिया में आपको हर एक वीडियो आपने देखे होंगे दोस्तों, इंडिया में आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे, असेंबलिंग कोई नहीं दिखाता, सेटिंग अच्छे से कोई नहीं दिखाता, लेकिन हम जो है आपको असेंबलिंग के साथ हर एक छोटी मोटी चीजों की जानकारी देते। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे हाइट एडजस्ट करने के लिए इन्होंने शाफ्ट के अंदर अलग अलग नॉब होल दिए गए हैं। और ये शाफ्ट देख सकते हैं आप, ये फाइबर वाली शाफ्ट नीचे कॉइल के नजदीक लगती है। तो ये बटन जो है इसको 1 टाइम प्रेस करके ऐसे अपने हाइट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं भी नॉर्मली यहाँ पे रख रहा हूं, ये हाइट ठीक है, ज्यादा कम भी करेंगे तो कॉइल डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखा करो दोस्तों। अभी इसमें क्या लगने वाले दोस्तों, सिर्फ कॉइल, तो कॉइल को भी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कॉइल के नजदीक 2 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे इसको निकालो अपन ने, ये थोड़ा प्लास्टिक स्क्रू होते हैं दोस्तों, इसको केयरफुली हैंडल करना। तो कॉइल किस तरह लगानी है दोस्तों डिस्कवरी 1100 में, ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये इसकी कॉइल रही, ये यहाँ पे नीचे की साइड डिस्प्ले की ओर, ये जो स्टिकर है डिस्प्ले की ओर आना चाहिए, अभी दोस्तों लगभग अपना डिटेक्टर 95% रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके सामने 95% डिटेक्टर रेडी हो चुका है। और अभी इसमें देखिए यहाँ पे ये जो पिन लगानी है अपने को बैटरी की साइड, वो भी दिखाता हूं। ये देखिए ये जो पिन है, ये आप क्या कर देते हैं सर, लूज छोड़ देते, लूज कभी नहीं रखने का, इसको ऐसा देखो ऐसे राउंड करके लेना है, देखिए ऐसे सिर्फ घुमा के लेना है, इसको लूज नहीं रखना है दोस्तों। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन भी लगा सकते हैं आप, हेडफोन के लिए जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वाइल के लिए नॉब दिया गया है। तो चलिए अभी फटाफट इसमें बैटरी लगाते हैं। डिस्कवरी 1100 में सेल कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है ये दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे गौर से देखिए, ये इस तरीके से इसमें 2 सेल लगाने हैं अपने को प्रेस करके, ये देखिए सब प्रेस हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे इसको खाली प्रेस करना है, सेल आपके लग चुके हैं और मशीन अपनी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मशीन ऑन हो चुकी है, ठीक है, मतलब सेल आपके परफेक्ट लग चुके हैं दोस्तों। डिस्कवरी 1100 की सबसे पहले मैं आपको मैनुअल में कैसे यूज करना है इसकी जानकारी फर्स्ट टाइम इंडिया में दे रहा हूं दोस्तों। इसकी सेटिंग की जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं, सेटिंग के बाद इसका करेंगे अपन
डेमो टेस्ट मतलब कि कितना फीट काम करता है और कैसे वर्क करता है और क्या है, ये पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और दिवाली ऑफर चल रही है, फटाफट डिटेक्टर खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग हर एक कंपनी के डिटेक्टर भैया हमारे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल ब्रांड कंपनी बॉन्टी हंटर के डिटेक्टर, फिशर, टेक्नेटिक्स, गैरेट, एड्रेनलिन, पायरेट, हर एक, माइंड लैब आप देख सकते हैं, नोक्ता, सभी तरह के 3D से लेके लोकेटर तक हर एक डिटेक्टर पे ऑफर ही चल रहा है। आप ऑफर में ऑफर का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों दिवाली ऑफर में। और चलिए अभी आपको सेटिंग समझाएंगे, इजी टू यूज कैसे आप कर सकते हैं, फील्ड पे आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, एक शॉर्टकट में समझेंगे और फटाफट करेंगे इसका डेमो टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, डिस्कवरी 1100 में आप देख सकते हैं 5 साल की फुल वारंटी आती है आपको, और इसको ऑन कैसे करना है और सेट कैसे करना है ये 2 मिनट में मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन का बटन लिखा है आपको स्पेशली 1 नंबर पे, इसको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। ये देखो डिटेक्टर अपना स्टार्ट हो रहा है, वेट करिए, अपना डिटेक्टर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं मोड के ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए आप मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए आयरन मोड, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि हटा भी सकते हैं, आयरन को इजीली हटाना है तो प्लस या आयरन मोड दबाइए, आयरन हट जाएगा। मिड रेंज में आपको जो भी है फन्नी, फॉइल, गुटका पाउच, ये जो डिस्टर्ब करते हैं एल्यूमिनियम, उसको इजीली हटा सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आप ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अपन ऑल मेटल पे रखेंगे इसको। यहाँ पे सबसे जरूरी जो ऑप्शन है वो सेंसिटिविटी का है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे ही मेन डिटेक्टर का मतलब स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड से चलाना है या कम स्पीड में गाड़ी भगानी है वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो डिटेक्टर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और ज़्यादा डीप में काम करेगा, और यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी घटाते हैं तो डिटेक्टर कम रेंज में काम करेगा लेकिन पुराने मेटल पे ज्यादा काम करेगा। और यहाँ पे मोड वाला ऑप्शन और एक बार समझाता हूं, देखो आयरन आपको हटाना है तो एक बार वन टच में आप आयरन हटा सकते हैं, सेकंड टच में आप मिड रेंज में कोई भी फॉइल, पन्नी, गुटका पाउच या कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है मिनरल्स तो इजीली हटा सकते हैं। और इसको स्टार्टिंग में, लेकिन आपको कोई हटाना नहीं है चीजें, स्टार्टिंग में आपको ऑल मेटल पे चलाना जरूरी है। और सेंसिटिविटी जो है अभी अपन ऑफिस के अंदर है इसलिए कम रख रहे हैं दोस्तों, ग्राउंड पे जाते हैं तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक मतलब 75 तक इसकी सेंसिटिविटी रख सकते हैं। इसकी लैंग्वेज होती है 100 आपको कभी नहीं लगाना है, सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा 75 बस, मतलब 3 रेसे जो दिख रहे हैं ना इतनी सेंसिटिविटी लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इजीली कुछ टिप्स थे, इससे अगर बढ़िया टिप्स कोई दे तो इंडिया में भाई मेरे को पता नहीं, मेरे तरीके से मैं सिंपली समझा रहा हूँ। ये देखिए आपको ऑफ करके भी दिखाता हूँ, ये वन टच में ऑफ हो जाता है, और ऑन करने का तरीका देखिए ध्यान से, एक बार टच किया इधर पे तो ये डिटेक्टर अपना ऑन हो रहा है, और जैसे हमने सेटिंग की थी वैसी सेटिंग इसमें 3 पे लगी हुई है। और ये देखिए मैं अभी ऑफिस के अंदर रहने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम कर रहा हूँ, और मोड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोड जो है वो मैं कोई मोड पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरे मेटल टेस्ट करने हैं, इसलिए मैं ऑल मेटल पे इसको सेट करूँगा। तो अभी अपना डिटेक्टर ऑल मेटल पे सेट है और डेमो टेस्टिंग के लिए रेडी है, और सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं सिर्फ 1 लगाई है, 1 सेंसिटिविटी पे कितना डीप सर्च काम करता है डिटेक्टर, ये आपको हम आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसका करते हैं अपन डेमो टेस्टिंग, और आपको दिखाते हैं डिटेक्टर कितना वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन लगाने के लिए भी आपको जगह दी है कंपनी ने, आप अगर साइलेंट में काम करना चाहते हैं तो हेडफोन भी आप लगा के आराम से मशीन चला सकते हैं। यहाँ पे इसकी कॉइल लगती है, यहाँ पे हेडफोन, यहाँ पे बैटरी सेल लगते हैं। डिस्कवरी 1100 दोस्तों सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अभी करेंगे इसका डेमो टेस्ट। अपने पास है आयरन, ये है स्टील आप देख सकते हैं, और ये है पीतल, और अपने पास गोल्ड की भी चीज है, गोल्ड पे भी टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले देखिए इसका जो है वो टेस्ट करते टाइम अपने हाथ में अगर कोई रिंग वगैरह है, घड़ी बिड़ी है, तो इसको पहले सबसे पहले आप हटा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको ये फाइनली डिटेक्ट करके आपको मशीन कंफ्यूज कर देगा कि कोई तो डबल रीडिंग आ जाएगा या आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये जो सामान है अपने हाथ में उसको अलग अलग निकाल के आपको रखना है। ये जरूरी टिप्स है आज के जो हमारे वीडियो देखते हैं दोस्त,
उनको पता है हम टिप्स जो है वो रियल देते हैं, कोई फेक फ्रॉड टिप्स नहीं रहते। आज अपन करेंगे इसका पीतल पे टेस्ट, पीतल के साथ इसका करेंगे अपन आयरन पे टेस्ट। आयरन के साथ हमेशा लोग बोलते हैं कि कुछ गोल्ड वाली चीजों पे भी टेस्ट करवाओ भैया, तो ये रही गोल्ड वाली चीजें। गोल्ड वाली चीजों पे भी टेस्ट होगा, साथ में इसके स्टील की प्लेट पे भी टेस्ट होगा। सबसे पहले जो है वो अपन आयरन पे इसका टेस्ट करेंगे। आयरन पे साउंड आपको अलग आएगा दोस्तों, और वैल्यूबल पे साउंड अलग आएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन करेंगे आयरन पे इसका टेस्ट। सेंसिटिविटी सिर्फ एक पे है, ये कितना फीट जाता है आपको दिखाऊंगा। अगर अपन सेंसिटिविटी और बढ़ाते हैं तो और ज्यादा जाएगा, लेकिन इसका जीरो पे टेस्ट कर रहे, ऑफिस के अंदर रहने की वजह से सेंसिटिविटी अपन दोस्तों बढ़ा नहीं सकते। तो ये देखिए आयरन पे इसका साउंड और ये कितना फीट काम कर रहा है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक से सवा फीट, सिर्फ नॉर्मल हथौड़ी पे एक से सवा फीट काम कर रहा है एक सेंसिटिविटी पे। अपन दोस्तों थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये देख सकते हैं उससे डबल काम करेगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये कहां तक वर्क कर रहा है, क्योंकि अपनी सेंसिटिविटी जो है दोस्तों वो सिर्फ एक पे है, और एक पे आप देख सकते हैं ये कितना फीट काम कर रहा है आपके सामने है यहाँ पे। और अपन थोड़ा इससे बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ये प्लेट है, सिंगल प्लेट है, तो ये देखिए इससे डबल काम करेंगे। सेंसिटिविटी सिर्फ एक है दोस्तों, ये देखिए ये कितना फिट काम कर रहा है, ये देखिए इससे डबल, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जितना ऑब्जेक्ट अपन फास्ट घुमाएंगे उतना ज्यादा वर्क करेगा, ये देखिए आपके सामने। और इससे बड़ा मेटल लेते हैं तो और ज्यादा जाएगा। अभी ये जो आप देख रहे कलश, ये कितना फिट जा रहा है देखिए, ये देखिए लास्ट यहां तक, इससे आगे ये नहीं डिटेक्ट करेगा। इससे आगे जो है वो साइज, ये देखिए उससे आगे ये पकड़ेगा। और क्लियर साउंड आप देख सकते हैं, क्लियर साउंड देंगी, नो कोई फेक साउंड। आपको एक और डेमो दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों ये कंक्रीट वाली हेवी दीवार, दीवार पे मशीन लगाई, मशीन कितना शांत है देखिए आप। ये देखिए मैं दीवार के पार वाला टेस्ट भी दे रहा हूं, ये देखिए दीवार को भी क्रॉस करके मशीन टेस्टिंग दे रहे। मैं अभी रुक जाता हूं तो साउंड नहीं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट लेके जाऊंगा ये देखिए, मतलब फालतू का एक भी साउंड नहीं कर रही है मशीन। आप देख सकते हैं मैं जब मेटल लेके जाऊंगा तभी साउंड करेंगे, ये देखिए फालतू का एक भी साउंड नहीं। इतनी कम सेंसिटिविटी पे इतनी शांत मशीन आपने देखी है? दूसरी कंपनियों की मशीन देखते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ये मशीन देखिए कितना साइलेंट है। अभी इसकी भी सेंसिटिविटी बढ़ा के भी दिखाता हूं। अभी दोस्तों इसमें देखिए सेंसिटिविटी सिर्फ एक पे, अगर हम इसको बढ़ाते तो ये देखिए 100 करते तो ये और ज्यादा वर्क करेगा, मतलब पुराने मेटल पे और ज्यादा काम करेगा। तो ये तो अपन नए मेटल पे टेस्ट कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे नए मेटल है। अभी अपन और एक टेस्ट करेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे डिस्कवरी 1100 का। अभी मैं आपको अलग अलग मेटल पे टेस्ट दूंगा कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वाइल जो है अपने को जमीन के लेवल पे रखने, और सिग्नल किस तरीके से आता है ये देखिए आयरन पे, ये देखिए आयरन पे साउंड भी अलग सिग्नल भी अलग। ये जो गोल्ड का ऑब्जेक्ट है इस पे सिग्नल देखिए किस तरीके से देता है, ये देखिए गोल्ड पे साउंड देखिए अब किस तरीके से रिएक्ट करता है, मिड रेंज करके आपको क्लियरली यहाँ पे शो होता है गोल्ड पे, ठीक है। अभी स्टील पे आते हैं तो स्टील पे देखिए मिड रेंज करके आपको साउंड भी अलग आ रहा है और डिटेक्ट भी अलग कर रहा है। अभी पीतल पे आते हैं तो देखिए लास्ट वाले में जाएंगे, ये देखिए पीतल पे साउंड भी अलग और रीडिंग भी अलग, मतलब कि पुराने जमाने में स्टील नहीं था दोस्तों। दोस्तों आज आपने देखा डिस्कवरी 1100 का अनबॉक्सिंग असेंबलिंग और एयर टेस्ट। इसका अपन दिखा सकते थे ग्राउंड टेस्ट, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होगा तो आप बोर होंगे दोस्तों। जिन दोस्तों की बुकिंग थी वो फटाफट अपने डिटेक्टर ले जा सकते हैं, उनके डिटेक्टर आ चुके हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ इतना मशीन आपने देखा डिस्कवरी 1100, फालतू एक भी साउंड नहीं, फालतू एक भी मतलब मेटल पे साउंड नहीं करता, जब मेटल आता है तभी डिटेक्ट करता है, क्योंकि कंप्लीटली मेरे को डिटेक्टर अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी मजबूत है। और इसका क्या कहना है कि फालतू में मेटल अगर नहीं होता तो साउंड नहीं देता। ये सिर्फ अमेरिका अपने पास ही आज तक क्यों रखा था ये अभी पता चला, क्योंकि अभी इसका जल्दी अपन करेंगे ग्राउंड टेस्ट, अगली वीडियो आएंगी इसकी ग्राउंड टेस्ट की। और दोस्तों दिवाली ऑफर चल रहा है, फटाफट आप देख सकते हैं बॉन्टी हंटर के टी शर्ट्स,
पिन पॉइंटर, हेडफोन, क्वाइल, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी है। बेलगाम कर्नाटका के लोगों के लिए खुशखबरी है, बेलगाम का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, फटाफट जाके वहां पे आप डिटेक्टर पसंद करके ले सकते हैं। और पूरी सीरीज नई बॉन्टी एंडर की आ चुकी है और 3D भी डिटेक्टर आ चुके हैं और दोस्तों लोकेटरों में भी बहुत सारी रेंज आ चुकी है। फटाफट आप डिटेक्टर खरीदने के लिए संपर्क करिए और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ऑफर सिर्फ 10 दिन के लिए है दोस्तों। वहां से आगे बोलेंगे कुछ फ्री दे दो, तो दोस्तों डिटेक्टर रिलेटेड पूरे सामान इसके साथ हम फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिटेक्टरों में आपको जरूरत होगी। हर एक मॉडल पे अलग अलग रखे हैं, बाय हैंड ऑफिस भी आके मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों, आप आके टेस्ट करके लेके जाते तो आपका फायदा है। ऑनलाइन मंगवाते हो आपको सिखाने में बहुत दिक्कतें आती है, तो समझिए वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? नया ऑफिस का सेटअप चल रहा था दोस्तों, नया ऑफिस स्टार्ट हो चुका है कर्नाटका बेलगाम में, महाराष्ट्र के भी चल रहा है, अभी पुणे में जल्दी ऑफिस खुल रहा है। दोस्तों चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी ऑल ओवर इंडिया में आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। दोस्तों जल्दी इसका अपन दोस्तों ग्राउंड टेस्टिंग लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ दोस्तों। गुड बाय।